आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर महोबा से है, जहां पर लोकसभा में निजी विधेयक के माध्यम से हमीरपुर महोबा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के तरफ से बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा उठाया जा रहा है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा की ओर से बुंदेलियों के हाथों में राम बंधन बांध कर बुंदेलखंड राज्य बनवाने के लिए संकल्प लिया गया है। यही नहीं, बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग कर रहे लोगों ने बीजेपी सरकार पर अलग राज्य के नाम पर वादा खिलाफी करने का गंभीर आरोप भी लगाया और सरकार की वादा खिलाफी पर बीजेपी को हराने की अपील भी की जा रही है। देखिए, बहुत अच्छा मौका था। इस समय यूपी, एमपी और केंद्र सभी जगह भाजपा की सरकार थी और इससे अच्छा मौका नहीं था बुंदेलखंड राज्य बनाने का, लेकिन इस समय सरकार ने इस मुद्दे को टाला और वादा भी पहले किया गया था और लेकिन उसको निभाया नहीं। तो हम लोग वही याद दिलाना चाहते हैं और बुंदेलखंड राज्य के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई है। 635 दिन अनशन हमने किया महोबा में और हम लगातार खून से खत प्रधानमंत्री को भेजते हैं, 25 बार भेज चुके हैं। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, हम लोग उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हालाँकि हमारे सांसद जो हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, वो लगातार संसद में आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और उन्होंने अभी दो दिन पहले बजट सत्र में फिर उठाया था। ये 3 साल में बुंदेलखंड राज्य बनाने का वादा भगवान राम को साक्षी मानकर उमा भारती जी ने झांसी में किया था। अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर भी उन्होंने कहा था कि अंबेडकर जी, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं और बुंदेलखंड के दलितों को हम ये गिफ्ट देने का कार्य करेंगे कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। राजनाथ सिंह जी ने आगे कहा कि उमा जी हमारी बहन है, ये जो कह के जा रही हैं हम पूरा करेंगे। उसके बाद मोदी जी ने तो एक कदम और आगे कह दिया कि उमा जी, आपके सपनों को पूरा करने के लिए 2 कदम आगे जाने का मन करता है। खबर कुशीनगर जिले से है, जहां विधानसभा हाटा 334 से सावित्री हॉस्पिटल तितला सुकरौली के संचालक रवीश सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक और प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। आपको बताते चले कि इसी क्रम में अपने समर्थकों के साथ रवीश सिंह सुकरौली से लेकर हाटा तक लोगों से संपर्क कर आशीर्वाद लिया। अपने समर्थकों के साथ आम जनता से वोट मांगते हुए रवीश सिंह ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा सदैव ही मेरी प्राथमिकता रही है और इन्हीं मुद्दों के साथ मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे हिसाब से हाटा विधानसभा में मैं गांव-गांव गली-गली जाता हूं। प्रेजेंट टाइम की ऐसी स्थितियां बनी हैं, इस समय कोई बड़ा प्रत्याशी नहीं है। आप मेरे इतिहास के बारे में भी जानते हैं, जनता मौका, अभी मैं पद पर नहीं हूं, उसके पहले भी मैं सेवा करता हूँ। दूसरा चीज, यदि जनता यदि मुझे मौका सेवा करने के लिए देती है तो मैं उससे बेहतर सेवा करने के लिए। विधानसभा में विकास की कौन सी ऐसी योजना है आपके दिमाग में जो लेके आप नया मॉडल? देखिए, मेरे तरफ से मेरे चुनाव के मुद्दा ये हैं, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य, ये एक मैं सोचा हूँ नर्सिंग कॉलेज हाटा विधानसभा में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, जो हमारी बहनें हैं, मेरे प्यारे भाई हैं जो गोरखपुर जाने में असमर्थ हैं, मैं हाटा विधानसभा को देने के लिए तैयार हूँ। रायबरेली में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम के तहत वचन भवन से जागरूकता रैली निकाली गई। कमिश्नर रंजन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान कई स्कूलों के बच्चे, पुलिसकर्मी और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने रैली में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार की रंगोली सजाई गई और इस मौके पर IG लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। ये हमारा पूरे मंडल में 23 फरवरी को मतदान है, उसके क्रम में सभी जिलों में जाके हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही हसल फ्री इलेक्शन हो, सभी लाइन ऑर्डर ठीक रहे और सभी मतदाताओं में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 23 फरवरी को लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें ज़रूर सभी लोग घर से निकल के वोट दें। हम लोग ये बता रहे हैं कि जब आप वोट देते हैं तो आप अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं कि मुझे संविधान की पूरी भावना हमें समझ आ गई है, मैं देश को प्रगति में मैं कारक बनना चाहता हूं।
यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। मतदान को लेकर सभी बहुत उत्साहित हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में मतदाताओं के अनेक रूप सामने आ रहे हैं। बुलंदशहर में बारात में जाने से पहले दूल्हे ने मतदान स्थल पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर के बाद दूल्हे ने मतदान किया। वही दूल्हे बलराम ने बताया कि उन्होंने 2 महीने से पहले से ही बारात में जाने से पहले मतदान करने का प्लान बनाया था। क्या नाम आपका? बलराम। आज आपकी बारात जा रही है, आपने मतदान किया है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। की मेरा ले लो। कहाँ आपकी बारात जा रही है, कितने बजे आपने मतदान किया है? अभी कराए 9:30 बजे करीब। तो पहले से ही प्लान बना रखा था या अचानक आपको याद आया? पहले पहले प्लान बन रहा था सर, बारात जेपी का कार्यकर्ता हूं। तो आपका मतलब प्लान था कि बारात से जाने से पहले आज ही डाल के जाऊंगा बोर्ड, उसके बाद शादी कर लूंगा। फतेहपुर के बकेवर कस्बा स्थित बैंक में ग्राहकों के साथ बैंक कर्मचारियों की मनमानी सामने आई है। ग्राहक पासबुक को प्रिंट करवाने के लिए सुबह से लेकर दोपहर तक का इंतजार करते हैं। शाखा प्रबंधक को दिए गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि वो पासबुक प्रिंट कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी पासबुक प्रिंट नहीं की गई है। 35-40 के करीब मैं पहुंचा तो मैंने श्री विजय द्वारा निवेदन किया कि सर मेरी पासबुक अपडेट कर दीजिए। उनके द्वारा कहा गया कि आज अपडेट नहीं होगी, 2 बजे के बाद पासबुक अपडेट नहीं होती है। फिर मैंने वहां पे बैठी सुश्री शिल्पी जी से निवेदन किया, उन्होंने कहा कि पासबुक अपडेट नहीं होगी, अगले दिन आइए, अब हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये प्रिंटर की बात है। और इस तरह से मेरे साथ में सुश्री शिल्पी जी द्वारा अच्छे ढंग से बात भी नहीं की गई। नहीं चल रहा था जी, जी। कहा कि स्टेटमेंट ले लीजिए, वो उस पे राजी नहीं। अच्छा, अब चल रहा है। इस सिस्टम में प्रॉब्लम है, मैंने कंप्लेंट भी डाली है कि सिस्टम को ठीक। वो कंप्लेंट की कॉपी मिल जाएगी जो आपने डाली है प्रिंटर खराब के लिए? आपको मैं क्यों दूंगी? जी बिल्कुल कतई मत दीजिए, लेकिन हमारा काम है क्वेश्चनिंग करना। अगर वो ऑफिशियली कहीं पे मांगी जाएगी तो मैं जरूर प्रोवाइड। नहीं, कंप्लेंट बुक आपके यहाँ शाखा में होती है उपभोक्ता के लिए, वो है आपकी शाखा में? नहीं, सब चीज़ के ऑनलाइन पोर्टल। अगर नहीं, बैंक शाखा में उपभोक्ता के लिए, ग्राहक के लिए कंप्लेन बुक होती है, आपकी शाखा में है या नहीं है? क्यों मैडम? रायबरेली में एनिमल ब्रीडिंग सेंटर के पास प्रतापगढ़ मार्ग पर एक साइकिल सवार को बचाने में 2 तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन आपस में टकरा गए। दोनों वाहनों की टक्कर भीषण थी, जिसमें वाहन सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रायबरेली रेफर किया गया है। अभी 108 द्वारा कुछ पेशेंट लाए गए हैं और वो सलोन के आसपास एक्सीडेंट हो गया है, जहां दोनों कारों में आपस में अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से 6 लोग हमारे पास आए हैं। 6 में 1 लोगों की मृत्यु हो गई है और सभी लोग सीरियस हैं। ज़्यादातर लोगों को इमरजेंसी मैंने एडमिट करके और विशेषज्ञ डॉक्टरों को कॉल कर दिया है और वो उनको देख रहे हैं, उचित सलाह देंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।